अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की पुस्तक गुरुजी के दृष्टांत से। कहानी नंबर 10, इंजीनियर का हिसाब। एक इंजीनियर थे, वह यात्रा के लिए पूरे परिवार के साथ जा रहे थे। इंजीनियर पढ़े लिखे समझदार थे। जिस क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे थे वहाँ कोई वाहन नहीं चलता था, और संयोग की बात ये थी कि मार्ग में नदी भी पैदल पार करनी पड़ती थी। इस बार ग्रीष्म काल में अच्छी बारिश पड़ गई, तो नदी में पानी ज्यादा आ गया। अब इंजीनियर साहब नदी किनारे खड़े थे, सोचने लगे कि नदी पार कैसे करूं। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, 4 फीट गहरा पानी है, और अपनी लंबाई नापी, उनकी लंबाई 7.5 फीट, पत्नी की लंबाई 7 फीट, बेटे की 5 फीट, दूसरे बेटे की 3 फीट, और अगले की 3.5 फीट। पूरे कुटुंब परिवार की लंबाई नाप करके उन्होंने औसत निकाला कि औसत सबका मिलकर के लगभग 5.5 फीट है, 5 से कम तो है ही नहीं, और नदी की गहराई 4 फीट। उन्होंने हिसाब लगाकर पत्नी से कहा, चिंता ना कर, अपन आराम से पार हो जाएंगे। 2 बच्चों के हाथ खुद ने पकड़े, एक बच्चा पत्नी को पकड़ाया और चलने लगे। जैसे ही नदी के बीच में पहुँचे, नदी की बहुत तेज धार से वह बच्चे बह गए। पत्नी को बड़ी मुश्किल से संभाल पाए, जैसे तैसे किनारे तक पहुँच गए। अब रोने लगे, पुनः अपनी डायरी निकाली। पत्नी कहती है, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा? वह कहता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हिसाब हमारा जियो का त्यों, फिर भी कुनवा डूबा क्यों। हिसाब में तो कोई गड़बड़ नहीं है, नदी की गहराई और हमारी लंबाई भी ठीक थी, फिर क्यों डूब गए? महानुभाव, लगता है हम लोग भी इसी तरह से हिसाब लगाते हैं, और हमारा हिसाब भी ऐसे ही फेल हो जाता है, जैसे उस इंजीनियर का फेल हो गया था। शायद अनपढ़ होता, देहाती व्यक्ति होता, तो नदी में पैर ना बढ़ाता। शिक्षा, महानुभाव, समर्पण से पहले बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि समर्पण कहाँ और किसको किया जाए, किंतु समर्पण के बाद बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता और ना करना चाहिए।